We hate Tara. I love Tara. End of sucks to. बहुत अच्छा लगेगा. Sound. Next seven. Action. What's up, guys? Welcome to my channel. And आज मैं बनाने वाला हूँ reaction video on the recent episode of Splitzvilla. जो है कबड्डी चैलेंज. एंड मुझे पता है बहुत ज्यादा डेंजरस था ये चैलेंज, क्योंकि इसमें चैलेंज भी बहुत डिफिकल्ट था, प्लस चैलेंज के पहले कई सारी वियर्ड चीजें हुई, जैसे कि एंड जब मैंने उसे देखा वो तारा के साथ हाथ पकड़ के आ रही थी, पर्पस से मैं आया था, वो मेरा पर्पस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है. यू आर प्लेइंग गेम विद हिम. तारा, ओह शिट, तारा, तारा. मेरे साथ है मिस्टर ठाकुर. भाई तू तो चमक गया, तूने एक्सपोजर बहुत बढ़ा दिया मुझे. ऐसा बहुत ज्यादा तू एंट्री किया, देख ना तेरा गाल गायब है, क्योंकि तूने अपने आप को गोरा करने के चक्कर में मुझे कंट्रोल. बट मुझे परफॉर्म करना था गाइस, एक्चुअली ये सच्चाई है. तू शायद परफॉर्म करता तो मे बी तेरी टीम कुछ कर पाती मेरे अगेंस्ट. एक और मैं एंटर करेगा, तू बहुत वियर्ड दिखा. सो गाइस, इस रिएक्शन वीडियो में मेरे साथ मुझे ज्वाइन करने वाला है मिस्टर ठाकुर. तू रहता ना तो शायद तेरे टीम को एक तेरा एंट्री का पॉइंट मिलता, जिसमें तू टच करके रिटर्न जाता और किसी को पकड़ भी लेता. तू कर देता, पकड़ भी लेता किसी. सर पकड़ना वकड़ना नहीं, बट एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी बनाकर टीम को गाइड तो कर पाता. जो भी चीजें हुई है वो हम अब देखेंगे. यस चल स्टार्ट करते हैं, एपिसोड स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. अच्छा लगता नहीं बार बार देख, कल भी देखा, उस टाइम भी देखा, आपने देखा. अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है एकदम से. सब वो हार्ट ब्रेक वाला रो रही है. तू मुझे ये बता, अभी जब महक रो रही थी, तूने महक को देखा, फिर उसके बाद तू उसके पास गया था उससे बात करने, तेरे को क्या लग रहा था कि महक कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रही है कि तूने उसको बिट्रे कर दिया? ऐसा उसको कहीं ना कहीं था या नहीं था? वो बस सिचुएशन से पेन में थी, क्या था? देख मुझे ऐसा लगता है ना कि इतने कम टाइम में ना ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत आसान नहीं होता है किसी को भी, क्योंकि मैंने शायद महक के साथ है मुझे 4 या 5 दिन 6 दिन हुए थे, एंड अब तक के एपिसोड के अकॉर्डिंग तेरे और साक्षी को भी टाइम हुआ, बट फिर भी इतना ट्रस्ट नहीं हो पाया. सो कुछ ना कुछ वो बात भी थी कि ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाया था उतना, और साथ साथ में ये भी था कि अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये, क्योंकि अब तक के सीजन में ऐसे ही हुआ है कि अगर कोई आइडल मैच बन गया है तो वो आगे तक परफॉर्म उसी के साथ किया. एंड महक जो कि हमेशा कॉम्पिटेटिव है, हमेशा वो चीजें करने में बिलीव करती है, एंड अब उसको ये लग रहा था कि अब वो क्या करे. तू मेरे को ये बता, अब ये जो वीडी का ये जो सीन मैं देख रहा हूँ, मतलब ये मेरे को क्वेश्चन आता है कि जब आराधना ने कुछ तरह बोला था कि हामिद क्यूट है, हामिद क्यूट बोला था, तब ये लोग ने बोला था कि ये है, ये बेचना, वो जो भी, चलो ठीक है, इन्होंने बोल दिया, हो सकता है इनके इनके दिल में था, इन्होंने बोल दिया. ये सेम चीज नहीं कर रही आकाश लीना, एक कनेक्शन, महक रो रही है उधर, देख पा रही है कि महक का कनेक्शन है तेरे साथ, फिर भी वो खुश है कि नहीं. मुझे क्या पता क्या लग रहा है कि जो गेम मुझे वहां पे दिखाई जा रही थी थ्रू आकाश लीना वो बहुत डिफरेंट थी. वो मुझे बार बार यही बोल रही थी कि मैं किसी के कनेक्शन के बीच में नहीं आऊंगी. यू कैन गो विद महक, यू कैन मेक योर कनेक्शन विद महक, यू कैन प्ले विद महक, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो बस अपना सर्वाइवल देख रही हूँ, मुझे तो मुझे भी तो करना है, मैं बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ, ये है. मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी जिस वजह से मैं भी प्रेशर में था कि मैं किसी के सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था. वो तेरे सामने खुद को अलग ही पोर्ट्रे करेगी क्योंकि उसको तेरे साथ कनेक्शन बनाना है. जो उसने वहां पे बोला वो गलत था, ऑफकोर्स ठीक है, ऑब्वियसली गलत था. किसी को क्यूट बोलना या अच्छा लगता है ये बोलने से कोई हॉनी बिच नहीं बन जाता, मतलब कोई ऐसा नहीं हो जाता. सो थर थर की गुदी शिट. तू किसी का कनेक्शन तोड़ के खुश है, मतलब ये पता नहीं, खुद ही नहीं समझ आ रहा था, मैं खुद ही इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं आकाश लीना के साथ में आइडल मैच हूँ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तेरे को नहीं लगता है वो तेरी आइडल मैच है? जो सच है तेरे को लगता है महक है, तो
उसने सुन लिया, जब उसने कश्यप को बोला बाप पे मत जा, फिर मैंने शिवम को बोला बाप पे मत जा। तो मैं खुश हूँ, मैं और साक्षी आइडल मैच नहीं है। बट ठीक है यार, मेरे को इतना मतलब नहीं है वैसे तो आकाश लीना से, तेरे को है क्योंकि वो तेरी आइडल मैच है। मेरे को भी नहीं है। अभी मेन प्रॉब्लम शुरू होगा। अच्छा लगेगा तू मेरी टीम में हो, बिकॉज़ मुझे तेरे से अगेंस्ट नहीं खेलना, मुझे नहीं चाहिए कि तू और तारा लड़े। साहब मैं बना दूं क्या? अपना काम करना। साक्षी भी जब मेरे को लेके बैठी तब साक्षी मेरे को बोल रही है कि मेरे को तेरे से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि तुम दोनों लड़ो। बट मैंने अपना पॉइंट क्लियर रखा कि अभी आज के दिन में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं तारा के साथ नहीं खेलूं। तू खुद बताया, तू मेरे एक सिंपल बात बता, मैं तू मेरा कनेक्शन बराबर, ऐसा समझ मैं लड़की हूँ। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। एक लड़का आ गया जो तेरे साथ कनेक्शन बना रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मैं उसके तरफ जा रहा हूँ, तो तू कैसे उस लड़के की टीम में जा सकता है? तू जा पाएगा? तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मान पाएगा? मैंने ऑनेस्टली मैंने ये चीज सोची थी, तो मैं भी ये बात सोच रहा था कि मैं भी तेरी जगह होता तो भी शायद मैं ये चीज नहीं करता 90%। हारने तक मैंने देखा कि तू है, हनी है, सारे मेरे को पता है जिनसे मेरा बॉन्ड है, और ये लोग करेंगे अच्छा परफॉर्म, परफॉर्मर है वो, अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगाज था और मेरे को लगा तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, बट मेरे को ऐसा था फक इट। बट वही है ना, मैं तभी ये नहीं सोचा गेम क्या क्या नहीं, मैंने बोला तारा के अगेंस्ट, तारा जो भी टीम में जाएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको हराने। पहली बार किसी टास्क में साक्षी मेरे बाजू में नहीं है। देखा वो तारा के साथ हाथ पकड़ के आ रही थी, ये पार्ट के बारे में वो बहुत बुरा फील हुआ मुझे। भाई मैं ये मजाक नहीं कर रहा, आज तक किसी लड़का लड़की को हाथ पकड़ते हुए देख के मेरे को इतना गुस्सा नहीं आया रहेगा जितना मेरे को उस दिन आया रहेगा। मेरा दिल इतना दुखा रहेगा ना, अच्छा। कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देख अभी तक सारे चैलेंज में इसके साथ गया और इसके साथ ही परफॉर्म किया, आज पहली बार मैं टीम भी ऑपोजिट और वो तारा का हाथ पकड़ के जा रही है। एंड ये हो सकता है तारा ने उसका हाथ पकड़ा हो, ये एक अजीब खेल होता है, इसने तारा का हाथ पकड़ा है या तारा ने इसका, देखते हैं। जो भी हो हाथ पकड़ा हुआ है, और मैंने सोचा ये क्या, मैं तो सिर्फ और सिर्फ चैलेंज के लिए अलग टीम में गया। साक्षी के लिए ये चीज भी हो गई थी कि जस्टिन के लिए मेरे साथ खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है, तारा के साथ ना खेलना। और मैं इसमें उसको गलत नहीं मानता, ठीक है, उसने उस कारण शायद हाथ पकड़ा हो, मेरे को जेलस फील कराने या क्या करने मेरे को पता नहीं, बट वो यार ऑफ कोर्स ही बात है, हाथ तो मेरा भी पकड़ लेती है। तो तेरा हाथ पकड़ने में बहुत फर्क है ना, तारा का हाथ पकड़ने में बहुत फर्क है। तारा तो उसका एक्स था, तो ऐसा कोई नोट पे एंड नहीं हुआ। बट फिर भी यार तू मेरी जगह पे नहीं है, तो वो चीज नहीं फील कर पाएगा। बट ठीक है, काम कर, मैं इधर आ जाता हूं। साक्षी से बात करी है, शी वाज प्लेइंग गेम विद हिम। ये जब मैंने सुना मुझे मन किया कि मैं भाग जाऊं, है ना, खोद के अंदर ही घुस जाऊं, घुस जाऊं। बट मैंने क्या किया, मैंने मन में सोचा कि ये बोल रहा है और ये झूठ भी बोल सकता है। सोच उधर भी मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं शायद ये झूठ बोल रहा है, एंड जो मैं भाई कुछ नहीं बोल सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये आई थिंक एंड ऑफ सक्स थिंग, और क्या स्टार्ट होगा क्या पता इन लोगों का, तो बोलो ताराक्षी या क्या, तो इन तो बोलो ये सामने होने के बाद इसने जो भी क्लियर दिखा जो भी दिखा उसके बाद भी मैंने कुछ गलत वे में रिएक्ट किया। You are not reacting. मेरी अंदर से फट चुकी थी, तुझे आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या सिचुएशन में था और मैं सोच रहा था मैं क्या बोलू। नहीं बट सच्ची में यार तू खुद बता ना, तेरी कनेक्शन तेरे को छोड़ चुकी है, तूने डिसाइड कर लिया है। मैं अपना बात करूँ ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्ट से, यहाँ पे मैं किसी की तरफ नहीं ले रहा, मैं एक बार चांस देता हूँ किसी को भी, या तो मुझे कोई ये बोले कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, गिव मी 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, वो 5 days में दूंगा, फिर वो 5 days के बाद में फिर 6th day पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 6th day पे या तो मैं या फिर बीच वीडियो में एक नई लड़की की एंट्री हुई है, वाइल्ड कार्ड, एक वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड प्लीज कम हियर, ये कशिश। आज का दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो चल रहा है कबड्डी का, जो एग्जैक्टली तेरे मन में है तू बता सकती है, दिस इज अ सेफ प्लेस, यू कैन से व्हाटएवर यू फील कशिश। बट डिड यू वॉच द एपिसोड यस्टरडे व्हेन आई टोल्ड यू? अब भी देखूंगा मैं लिटरली, मेरे लिए फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। एंड कबड्डी भी सीख
फर्स्ट चैलेंज, फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट राउंड सुंदर उसको छू लिया था तो फिर भी क्यों चले गए लोग? और मैं एक बहुत अच्छा खेली आज कल तक तो दूसरे कनेक्शन ढूंढ रहा था, आज साक्षी का नाम ले रहा है। वो जानबूझ के ये कर रहा है जिससे कि वो चाहता है कि साक्षी को उसका नाम ले। ये इसकी वीडी क्या थी, पागल है गई? ये वीडी का क्या मतलब था, जानबूझ के क्या कर रहा है? मेरे को पसंद है साक्षी, मैं साक्षी का नाम नहीं लूंगा तो किसका लूंगा? मुझे पता है कि आगाज कितने फियरलेस लड़का है, सो आई वाज काइंड ऑफ स्केर्ड दैट मे बी द गैंगस्टर टीम विल विन दिस पार्ट। गो कम ऑन गाइस। आगाज आ रहा था, वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो तो ऐसे ही पॉइंट खेलेगा। उसकी आंख में देखना, वो मेरे को देख के ऐसा था, उसको लगा कि कहीं भी लाइन के बाहर जाऊंगा ना। हाँ, उसको कहीं भी बाहर नहीं, उसको लगा कि ये लोग तो इतने पतले पतले क्या ही करेंगे। नहीं, उसको लगा कि कहीं भी बाहर जाऊंगा चार पॉइंट मिल जाएंगे। 12 वन डाउन, आगाज आया, आगाज दबोचा। मैं जानता हूँ कि इसने तारा ही बोला क्योंकि मैं सामने था, बट अभी भी मुझे बुरा लग रहा है, मजाक भी नहीं कर रहा। तुम लोगों को क्या लगा था ये तारा बोलेगी? कुछ आइडिया ही नहीं था मेरा एक्चुअली। मैं बस समझ गया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क क्या चल रहा था मुझे मुझे अगर हम लोग को सिर्फ दिख रहा था कि शायद ये तारा बोलेगी क्योंकि वो तारा की साइड खड़ी है और अभी लड़ाई भी हुआ है। बट जब उसने बोला और जब मुझे पता चला कि हाँ ये तारा ही बोल रही, तब तो जो और ज्यादा बुरा लगा। अरे भाई, गम गम जो होता है ना, गम समझ रहे हो, गम क्या होता है? वो रात अपन 2 बजे तक पिया, गम महसूस किया, मैंने बोला अरे फक क्या ही बोलूं, और ठंडा बट बॉडी अंदर से गर्म किया, बस तारा आ जाए। तारा का राउंड है अब। वो साक्षी के प्यार में इतना डूबा हुआ है कि वो साक्षी 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 तो करता रहा बट वो हमारे पास ही नहीं आया। एक सेकंड के लिए तारा को वो जो व्हाइट लाइन है उसके थोड़ा आगे देखा, 2 कदम भी आगे देखा, वो बीच तक भी नहीं आया यार। वो सब पार्ट नहीं डाला जब मैं उसको घड़ी दिखा रहा हूँ, ऐसे घड़ी मैंने पहनी नहीं है बट मैं उसको टाइम दिखा रहा हूँ कि एटलीस्ट अंदर तो आ, अंदर तो आ। और ये बहुत फनी था, बहुत फनी था। मैं चाहता था कि मैं उसको पकड़ू, जो मैं पकड़ लेता गुद्दी में मारने में, मैं पकड़ लेता उसको, बट वो इतना डरपोक कि आया ही नहीं। देखता हूँ कितनी दूर भागता है, क्योंकि डर गया था वो, तू पकड़ नहीं पाता अगर वो आता तो। तुझे मन में पता है तू झूठ रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तारा जनरली बहुत शौक में था जब वो अंदर आया। उसने देखा कि उसका एक रिलेशन ऐसा था जो वो 1 साल से किसी के साथ में था और एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो उसको टूटता हुआ दिखा, और उसने देखा कि साक्षी की आंखों में वो जस्टिन के लिए एक है कुछ स्पार्क, तो वो कमजोर हिल गया वो, क्योंकि होता है ना यार आप शो में जाते हो। मतलब तू ये बोल रहा है कबड्डी चैलेंज हो इसके लिए परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वो प्यार में था? भाई वो शौक में था। ओके, शौक के कारण उसको ये नहीं पता था कि लोगों को टच करना है, उसको टाइम ही चला नहीं पता ना, ज्यादा खुश था वो। ठीक है, माफ किया। एंड फाइनली उसको साक्षी मिल गई थी तो खुश भी था। तो हमारी टीम की सारी उम्मीदें समरते हुए थी, एक ऐसा प्यादा जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, बस देखना ये था कि ये प्यादा आगे तक जाके वजीर बनेगा या रास्ते में ही इसको काट दिया जाएगा। शाबाश लड़के, क्या भी बोला है ना, पर क्या मतलब हुआ इसके लिए वीडियो देखे। बात ये थी 4 सेकंड तक बढ़ गया, फिर 1 मिनट तो वहीं रहा, 1 मिनट तक दिख। हम लोग को बॉडी में कैसा फील हो रहा है जाने की कोशिश कर रहा है, समर्थ्य के लिए मुझे बुरा लगता है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, उसकी ताकत ऑलमोस्ट तेरे जितनी है, समर्थ्य ऑलमोस्ट तेरे जितना स्ट्रॉन्ग है, तू राइट हैंड के पंजे में उससे जीत सकती है। और इस तरीके से हमारी टीम जीत जाती है, एंड आई गेस तुम लोग हार जाते हो। आई थिंक तू तेरी टीम नहीं जीती है, ये दूसरी टीम जीती है। तेरी टीम तब जीतती जब हम सब जीत, वैसे बोल तेरा तो प्यार जीता, हाँ। आखिरकार मेरा ईगो जीत गया। डिफेंडेड योर सर बट आई डू नॉट ट्रस्ट यू एनीमोर। परफॉर्म नहीं किया, इवन आई कुडंट ट्रस्ट यू। नो, बिकॉज देयर वाज अ फेयर रीजन आई शुड से, बिकॉज उसने बोला तुझे टाइम मांगा कि मुझे टाइम दे। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? टाइम दिया कबड्डी अलग बाजू के लिए।
ऐसा डिसीजन विच विल मेक हर फील मोर बैड तो शी विल से दैट आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर. अच्छा ठीक है, इसका भी कुछ लग जाएगा. ये पहले करना चाहिए था. वो आया है तो मैं उसे जाके सीधा नहीं बोल सकती. सीधा फक ऑफ नहीं बोल सकती, उसका नाम ले सकती हूँ टास्क में. अगर वो आया है तो मैं उसको फक ऑफ नहीं बोल सकती, उसका नाम ले सकती हूँ तारा तारा टास्क में. नाम अच्छा है ना, प्यारा नाम है यार. अगर वहाँ पे देख, वहाँ पे अगर सोच के देख तो एक सेकंड वहाँ पे वो अंदर गई. जस्टिन 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 बोलना और तारा रा 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 बोलना आसान है. तो तू ये कह रहा है कि तारा बोलना आसान था? हाँ. ओ शिट, अब समझ आया तेरे को? ये मेन रीजन. तो आई गेस बहुत ही वियर्ड वीडियो था, इसका रिएक्शन भी बहुत वियर्ड था. एंड आखिरकार इसका एक ही रिजल्ट आया कि मुझे गम मिला है. एंड कशिश ने मेरा दिमाग खोला कि साक्षी ने तारा इसके लिए बोला क्योंकि तारा वर्ड इजी है जस्टिन से. थैंक यू फॉर द एनलाइटमेंट ब्रो. एंड आई फील शायद ये सब इसी कारण हुआ है. तारा बोलना इजी था जस्टिन से तो उसके लिए उसने तारा बोला, जिसका मुझे बहुत ज्यादा गम हुआ. होगा मतलब तू सेल्फ सेटिस्फेक्शन ले रहा है ना अभी ये सुन के. सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मैं अपना गम पी रहा हूँ. अब मैं चाहता हूँ लोगों, आप लोग ये देखो कि कभी आपका दिल टूटे तो कबड्डी खेलो. आप लोग कबड्डी बहुत अच्छा खेलोगे, है कि नहीं? दिल टूटा है तो जाओ कबड्डी के चैंपियनशिप में और कबड्डी खेलो और अपने एक्स का नाम लो. गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. कुछ बोल. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. एंड गाइस डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन जब भी जस्टिन वीडियो पोस्ट करेगा. एंड लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. बाय बाय. We hate Tara. Woo! No, okay. I don't hate Tara. All of us. No, I don't. Bye. Yeah. Yeah. I love Tara.